नमस्कार, आइए हस्तरेखा पर प्रकाश डाल लेते हैं। उससे पहले एक जरूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इस हाथ के बारे में। यहाँ पर ये मेरे सामने हाथ और इनकी ये पहली प्रथम कनिष्ठा उंगली। तो कनिष्ठा उंगली यहाँ पर नहीं पहुंची सूर्य के प्रथम पर्व तक। जब जब प्रथम पर्व तक कनिष्ठा उंगली की लंबाई नहीं पहुंचेगी, व्यक्ति जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाएगा। ऐसे व्यक्ति का जीवन का आधा संग्राम बहुत जद्दोजहद के साथ चला जाता है और सही निर्णय ना लेने के कारण, सही व्यापार ना करने के कारण, सही ज्ञान ना होने के कारण, जल्दबाजी होने के कारण व्यक्ति या कोई ना कोई जैसी भी वजह खड़ी हो, लेकिन अपने जीवन में उसको सफलता अपने व्यक्तिगत फैसलों की वजह से नहीं मिलती है। तो यहाँ ये बहुत ही ख़राब टावर इस उंगली का। बात कर लेते हैं सूर्य की उंगली की। ये सूर्य की उंगली और सूर्य की उंगली एकदम अलग थलग पड़ी हुई है, यानी कि आपको अगर कहें तो ये देखिए यहाँ भी जो गैप आया हुआ है, ये गैप इस बात को प्रदर्शित करता है व्यक्ति का पैतृक संपत्ति से विवाद हो सकता है, व्यक्ति का परिवार वालों से विवाद हो सकता है, व्यक्ति का मुकदमाबाजी हो सकती है धन से संबंधित होकर के। तो यहाँ समाज से कटाव की भी शनि की उंगली का होता है, तो ऐसा व्यक्ति समाज से भी कटाव जरूर कटाव का सामना करना पड़ता है। आइए बात कर लेते हैं आपकी तीसरी उंगली की, शनि की उंगली की। ये शनि की उंगली और पूरी तरीके से बहुत हल्का सा झुकाव है। शनि की ढैया, शनि की 7.5 आपके जीवन में जब भी आएगी तो आपको ज़्यादा कष्टकारी नहीं होगी, धन के आगमन भी आपके बाद जीवन में बने रहेंगे और स्वास्थ्य भी आपका अनुकूल रहेगा। तो ये तीसरी उंगली का फल हो गया। चौथी उंगली तर्जनी उंगली, ये अपने आप में सीधी खड़ी हुई है, थोड़ा सा इसका झुकाव थोड़ा अलगाव है। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान की पूजा पाठ के लिए ज़्यादा समय नहीं होता, ज़्यादा समझ लीजिए उसका मन नहीं लगता। साथ ही साथ शनि की उंगली से अलगाव जब जब होता है तो व्यक्ति को धन की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं आपके प्रथम पर्व जिसको कहते हैं बुध। यहाँ आपकी कनिष्ठा उंगली सही नहीं निकली, आपके पर्व देख लेते हैं। पर्व आपका यहाँ पर अनुकूल है, कोई खास रेखाएँ खड़ी हुई नहीं है। मैं पहले ही कह रहा हूँ, जब जब जहाँ खास रेखाएँ खड़ी नहीं मिलती व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता है। तो ये भी अपने आप में यहाँ पूरकता के साथ में पर्व नहीं खड़ा है। पर्व अनुकूल है तो धन के आगमन लगे रहेंगे, बस ये इतने पर समझ लीजिए। अगली बात कर लेते हैं आपके इस पर्व की, ये है आपका सूर्य का पर्व। जब सूर्य का पर्व इस तरह से खड़ी हुई दो रेखाएँ और यहाँ नीचे ऐसा लग रहा है जैसे कोई घड़ा सा बन गया हो वैसे ही देखने में, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक ये समझ लीजिए कि सामाजिक रूप से यदि आप कहें तो आपको यहाँ पर विशेष सम्मान नहीं मिलेगा। राज्य सरकार से कुछ सहयोग की ये रेखाएँ, लोन मिल जाता है, सुरक्षा मिल जाती है, बस इतना भर समझ लीजिए ये सूर्य की रेखा ने यहाँ आपको बताया है। अब बात कर लेते हैं आपके तीसरे पर्व की। ये तीसरा पर्व है आपका, इसको बोल देते हैं शनि पर्व। शनि पर्व और शनि पूर्व वहाँ भी अनुकूल था और यहाँ भी अनुकूल है। यदि मैं 55 वर्ष के बाद कहूँ तो धन की स्थिति बहुत ही ज़्यादा सही रूप से आपके पास विराजमान रहेगी, ये आपकी इन रेखाओं ने दर्शाया है। अब आइए बात कर लेते हैं आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व की ये खड़ी हुई रेखाएँ कुछ ब्रैकेट्स बनते हुए कुछ इस तरह का इंडिकेशंस यहाँ पर रेखाओं का, जो ये बताता है कि व्यक्ति के पास में जीवन में मकान निश्चित रूप से होंगे, गाड़ियाँ होंगी, सुख सुविधाएँ होंगी। ये यहाँ पर अनुकूल पर्वत भी है और नीचे ये आपके मंगल रेखा से खड़ी हुई रेखाएँ आपके साहस के कारण जीवन में आप मुसीबतों से निकलने में समर्थित रहेंगे, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये आपका हो गया। अब आइए बात कर लेते हैं आपकी विवाह रेखा को, मैंने देख लिया थोड़ा झुकाव के साथ है, साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए ये रेखा इतने मोटे रूप से यहाँ से चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके मन के अंदर बहुत परेशानियाँ हैं, साथ ही साथ पत्नी का को लेकर के मैं अगर कहूँ तो स्वयं भी आप अच्छे स्वास्थ्य में नहीं रहते हैं और पत्नी से संबंधित समस्याओं का सामना भी आपके जीवन में बहुत रहेगा। जीवन में पत्नी से टकराव, जीवन से पत्नी से संबंधित कोई भी समस्या बड़े रूप से खड़ी हो जाना, ये आपके यहाँ पर हाथ के अंदर दर्शाती हुई आपकी हृदय रेखा। तो यह भी एक चिन्ह यहाँ अच्छा नहीं मिला है। अब बात कर लेते हैं आपकी
अग्नि पर्वत की। ये आपका मंगल पर्वत, और मंगल पर्वत पर यहाँ मैं देखूँ ये रेखाएं लगातार आपके आपकी जीवन रेखा को काटती हुई रेखाएं लगातार जाकर के मंगल रेखा को सपोर्ट कर रही हैं। यानी जीवन में बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो यहाँ सपोर्टिंग रेखाएं भी नीचे जो सिर्फ आपकी यहाँ तक रेखा तक जाकर रुक गई हैं, तो ये मंगल रेखा यानी साहस के कारण आप अपने जीवन में बहुत बहुत बड़े कदम उठा जाते हैं, ये इस बात को दर्शाती हुई रेखा है। तो ये साहस तो बहुत है आपके अंदर, तो उसमें कोई भी दोराह नहीं है, उसके कारण रहते हैं। साथ ही साथ जो अंदर ये लाल रेखा नीचे को जा रही है, ये मंगल रेखा होती है, इसको कहते हैं संजीवनी रेखा, जो बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकाल भी लाती है। तो ये भी एक अपने आप में दर्शाने वाली आपकी रेखा। आइए बात करते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा, बुद्धि रेखा की। ये बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा का एक तंत्र से जा करके ये पूरा का पूरा नीचे को झुकाव ज़्यादा तेज़ी के साथ हो जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें, और बहुत सोच समझ कर दूरदर्शिता से अगर निर्णय लेंगे तो जीवन में सफलता भी मिलेगी, इसमें भी कोई दोराह नहीं है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार की आपकी रेखाओं ने बताया। अब आपने सवाल ले लेता हूँ आपका, बाकी रेखाओं को पढ़ता हूँ। आपका पहला सवाल है, आने वाला समय कैसा? इस समय पर आपकी 48 साल की उम्र है, तो यदि मैं 48 साल की उम्र पर आपकी पहुंचता हूं, तो ये आपकी यहां पर 35 और ये यहां पर आपकी 45, 46, 47, 48, यहां इस जगह से 47, 48, यहां से 48 से लेकर के ये 55 तक का आपका समय है, ठीक है। एक तो यहां पर, दूसरा यहाँ कुछ एक और रेखा थोड़ी सी खड़ी है, ये इस तरह की हल्की सी रेखा है, ये बस इतना समझ लीजिए। और यहाँ 48वें वर्ष पर इस जगह पर ये बहुत ज़्यादा रेखाएं काट रही हैं हृदय रेखा को भी, तो ये भी हो गया। और यहाँ एक थोड़ा सा धुंधलका सा हो गया है, अगर मैं कहूँ तो ये यहाँ पर 48 से 50 के बीच में कोई ज़मीन से संबंधित कोई आपको सामना ना करना पड़ जाए किसी ज़मीन से संबंधित विवाद का, ऐसा भी लगता है मकान से संबंधित। तो ये डिफ़िकल्ट टाइम है आपके पास में, मोटी रेखा हो गई है। ऐसा नहीं है कि धन के आगमन नहीं है, लेकिन टेंशन्स भी काफ़ी हैं ऐसा लग रहा है, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो आगे वर्तमान की जहाँ तक बात करता हूँ, तो देखिए आपकी जो स्थिति है वो अनुकूल हो रही है। जो ट्रेंगल्स भी मैंने दिखला दिया वो 2021 के बाद, अगर बात करें तो 2021 के बाद में आपके वर्तमान में जो 2021 तक तो बहुत ज़्यादा उठा पटक है आपके सामने, कोई भी बड़ा निर्णय आपको लेना पड़ सकता है। और साथ ही साथ उसके बाद में जैसे ही आप 2021 पार करें, शुरुआत करेंगे 21 की, उसके बाद आपके जीवन में ऊर्जित होने आप शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि 2025 और 27 के बीच में तो आप एक प्रॉपर्टी भी ले जाएंगे। तो यहाँ इस तरह का या 2000 ये जो हल्का सा ट्रेंगल इधर बन रहा है, ये प्रॉपर्टी भी दिलवा देगा आपको 2025 से 27 के बीच में। 2021 के बाद स्थिति आपके अनुकूल आनी शुरू हो जाएगी, ये यहाँ पर दर्शाती हुई आपकी रेखा। चलिए अब मैंने इसको देख लिया, इसके बाद मैं चलता हूँ यहाँ पर अगले पर्व की तरफ। तो अब यहाँ चलते हैं, अब चलिए आपकी एक देखते हैं ये रेखा, ये व्यापारिक रेखा है, ये इस तरह से दिमाग की रेखा को काट करके जा रही है, व्यापार में बहुत उठा पटक वर्तमान में होने वाली है। और ये आकर के विदेश रेखा मिली, या समझिए दूर देश की रेखा आकर के स्थान परिवर्तन की रेखा यहाँ पर मिली, और मस्तिष्क रेखा में भी परिवर्तन का योग इसमें दिया। साथ ही साथ जो आपकी आयु रेखा, जो आपका सवाल है क्या दिवालिया रेखाएँ मेरे हाथ में हैं या नहीं, देखिए ये रेखा जो आपके हाथ में आकर के यहाँ रुक गई है 48वें वर्ष में आकर के, ये जो रुक गई है यहाँ रेखा, ये वाली 48वें वर्ष में आकर रुक गई है आयु रेखा, और इसके अंदर ये मंगल की सपोर्टिंग रेखा यहाँ से चली है। तो ये क्या कहती है कि व्यापार, आयु रेखा की बात करें तो आयु रेखा तो लंबी हो गई, आयु रेखा तो पहुँच गई 78-79 वर्ष तक,
लेकिन मस्तिष्क रेखा से आकर के एक जो जुड़ा हुआ मंगल रेखा और इसके बीच में आयु रेखा के बीच में जो ये बड़ा गैप आया, ऐसी स्थितियों में आदमी को दिवालिये का सामना भी करना पड़ जाता है, इसमें कोई दोरा नहीं है। और साथ ही साथ एक स्थान परिवर्तन, यानी अपने स्थान से आदमी जाकर के दूर स्थान तक, कई बार तो विदेश तक में भी जाकर के व्यक्ति बस जाता है, दिवालिया लिकार करके बस जाए, या कोई भी कारण, कोई भी वजह जरूर हो, उसकी वजह से इस स्थिति का सामना आपको वर्तमान में बिल्कुल बना हुआ है। 2021 के शुरुआत में ये लगता है कि आप कहीं भी गमन कर सकते हैं दूसरे स्थान को, तो यहाँ से वहाँ से ही आपकी अनुकूल स्थितियाँ आपको शुरू भी होंगी। तो बहुत जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन का सामना आपके सामने वर्तमान में आने वाला है। चलिए, ये आपका हो गया। तो जीवन में प्रगति का भी मैंने आपको बता दिया कि कब से कब के बीच में है, भाग्य रेखा का भी मैंने आपको बता दिया, परिवर्तन का बता दिया, चंद्र रेखाओं के बारे में बता दिया, सारे पर्वतों के बारे में बता दिया है, शुक्र पर्वत बचा है। शुक्र पर्वत पर बड़ी हुई रेखा इस बात को प्रकट करती है जीवन में कैसी भी स्थिति क्यों ना हो आपके पास में सुख सुविधाएं बनी रहेंगी, ये इस बात को भी दर्शाती है। अब आइए बात कर लेते हैं नीचे की रेखा की, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, मणिबंध से निकल करके जब जब रेखाएँ जा करके इस रेखा से जुड़ती हैं, सावधान करता हूँ मैं आपको, व्यक्ति को रात चाहे दो रात के लिए जेल में जाए, व्यक्ति को जेल का सामना भी करना पड़ जाता है। ऐसी स्थितियों का सामना ना करना पड़े, अनुकूल स्थिति आपके पक्ष में रहे, इसके लिए मैं आपको दो उपाय बताने जा रहा हूँ, उनको करते रहिए तो आपको काफ़ी कुछ इन चीज़ों से बहुत निकलने में फ़ायदा भी रहेगा और आप उनको कोई विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे नंबर एक, एक तो आपको पुखराज करना है, आप अपनी तर्जनी उंगली में एक पुखराज आपने अगर पहन रखा है तो पहने रखिए, फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो पुखराज करना है। दूसरा, आपको हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा, हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा, हनुमान जी को जोड़ा चढ़ाना, इन सब चीज़ों से उनसे प्रार्थना करना कि बजरंगबली मेरी रक्षा करना, मुझे साहस देना, मैं सब विपत्तियों को झेल करके सही तरीके से निकल जाऊँ, इसके लिए आपको बस हनुमान जी की शरण में ही जाना पड़ेगा। तो बस इतना कर कीजिए, आपको सभी दुविधाओं से छुटकारा मिले, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। नमस्कार।